जय हिंद। आप देख रहे हैं बीटीवी, मैं अरुण सवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। लगभग एक सबसे बेहद बड़ी खबर और सबसे बड़ी शर्मनाक खबर लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। मैं बात करूं एक ऐसा शर्मनाक कृत्य, एक ऐसा शर्मनाक दृश्य देख करके लगभग पूरी मानवता शर्मसार हो जाती है, इंसान शर्मसार हो जाती है। इसके बाद में पूरे भारत वर्ष में लगभग भूचाल सा आ जाता है चारों तरफ सोशल मीडिया में। जिधर देखो उधर ही एक सीधी का एक शर्मनाक कृत्य, शर्मनाक मामला लगभग चारों तरफ एक जहन में हर एक इंसानी दिल में घुस जाता है। जरा सोचिए, जिस प्रदेश में एक शांति के लिए लगातार पार्टी कार्य करती हो, उसी पार्टी के बीच में एक ऐसा नौजवान आता है और नौजवान आने के बाद में पार्टी की छवि होती है पूरी तरह से धूमिल ही नहीं, पूरी मानवता को शर्मसार कर देता है। सबसे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। आप वीडियो देखिए, आपको कुछ याद आया होगा। आप वीडियो देखे, आपको बहुत सारी बातें याद आ गई होगी। वही इंसान है या वही हैवान है जिसका नाम है प्रवेश शुक्ला, और बताया जाता है कि भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का ये प्रतिनिधि है। जिस तरीके से पोस्टर में लगातार जो एक पोस्टर वायरल हो रहा है, पोस्टर की माने तो केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। मैं पूरी खबर लेकर के आया हूं, पूरी खबर ए टू जेड विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस दृश्य में क्या क्या कैसे कैसे मोड़ आए और यह वीडियो कैसे मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचता है और इसके बाद पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। आप बने रहिएगा पूरी तस्वीरों के लिए। आप देखिएगा प्रवेश शुक्ला का यह वीडियो किसी ने कैद किया, और जब कृत्य किया जाता है तकरीबन दो तीन दिन पहले का कृत्य बताया जाता है, और यह पूरी तरह से नशे की हालत में यह युवा सामने दिखाई देता है। और लगभग यहां पर कहा जाता है कि आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मदिरा पान कहीं ना कहीं से सबसे महत्वपूर्ण सहयोग देता है। लेकिन देख लीजिए जनाब, यह मदिरा पान करना किस तरीके से कितना घातक हो रहा है। और यह वीडियो देखने के बाद में भी अगर यह मदिरा पान की जगह शिवराज सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है, मदिरा पान की जो जगह है यानी मदिरा दुकानों को अगर बंद नहीं किया जाता है, तो सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं आखिर किस तरीके से हो सकती है। न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस घटना पर मैं पुनः वापस आता हूं। यह प्रवेश शुक्ला लगभग दो तीन दिन पहले यह नशे की हालत में होता है, और इसमें जो पीड़ित होता है यह पीड़ित बेचारा कोल समुदाय का होता है, जिसके लिए पूरी जो प्रदेश सरकार है लगातार एक चुनावी अड्डा, चुनावी मुद्दा और लगातार इसको अपने पक्ष में करने के लिए तेउथर में एक कोलगढ़ी नामक जो किला था उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किए थे, लगभग बहुत बड़ी सौगात भी दी थी। लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से यह स्थितियां होती हैं। और यहां पर जब भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला से जब मीडिया वार्ता होती है, उस पर यह साफ बोलते हैं कि हमारा किसी भी तरह से कोई भी पार्टी से ताल्लुकात यह लड़का नहीं करता है। जरा सोचे किस तरीके से जब मुसीबत में पड़ता है कोई भी इंसान, किस तरीके से अपना बचाव करता है। राजनीतिक समय चल रहा है, इस राजनीतिक समय में किस तरीके से अपना अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरीके से तत्काल सेकंडों में उनकी मानसिकता बदल जाती है और किस तरीके से अपना बात को रखने के लिए कटाक्ष कर देते हैं। इसके बाद में आनंद फानंद में वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश मुखिया है, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है, और ट्वीट करने के 12 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से चारों तरफ सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। और लगभग 2 बजे के रात में ही आईपीसी की जो धारा होती है उसमें से 294, 504, 3(1)(r)(s)(ST)(Act) प्रवेश शुक्ला के ऊपर लगा करके 2 बजे के रात तकरीबन उसको धर पकड़ लिया जाता है। यहां पर आईजी रीवा, एसपी रीवा, इस तरीके से अनेकों लोगों के द्वारा यानी प्रशासनिक और शासनिक और समाज में कार्य करने वाले लोग के द्वारा इस वीडियो की निंदा की है। इसके बाद में मामला इतनी तेजी से तूल पकड़ता है, कहीं कहीं जब पार्टी की छवि धूमिल होती है, कार्यप्रणाली की लगातार छवि धूमिल होती है, इसके बाद में तकरीबन 3 बजे दोपहर के आसपास में घर में बुलडोजर चल जाता है। और बुलडोजर भी किस कदर से चलता है वो पूरी तस्वीर है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यह वीडियो देख लीजिए। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। आपने कथन सुना, इसके बाद बुलडोजर का लेकर के नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री का यह बयान सुन लीजिए। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहां कानून का राज है।
घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। और बयान के बाद लगातार बयानों की लगातार छड़ी आ रही है और इसके बाद में ही लगातार इसके बाद में आखिरकार बुलडोजर की कार्यवाही के साथ में कहीं न कहीं एनएसए की ही कार्यवाही की बात की जा रही है। अब इसमें आप एक वीडियो आप देखेंगे उसके बाद में आपका दिल पुनः पसीज जाएगा। कंजगर भीख मांग के लाएगी तो अपने घर में खा लेगी तो रोटी कहाँ जाएगी। यह प्रवेश शुक्ला की यह परिवार के वीडियो है। आखिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर जब प्रवेश शुक्ला की गलती थी तो प्रवेश शुक्ला के ऊपर बड़ी कार्रवाई होती बसरते उसके बाद में यह कौन सा सिस्टम है। हालांकि मैं किसी भी तरह से अपराधियों के पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक जो गलत एक संदेश जाता है तो आखिर इस पे परिवार की क्या गलती थी। आखिर क्यों बिना जांचे परखे किसी को प्रतिनिधि बना दिया जाता है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में पोस्टरों की माने तो आखिर यह नियुक्त करने वाले लोगों के ऊपर भी तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी तो इससे जिम्मेदार है, क्या घर परिवार ही जिम्मेदार है? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देना ना भूलिएगा। इसके साथ में ही क्या घर पर बुलडोजर चला तो क्या नाम मात्र का चला? जिस तरीके की तस्वीरें आ रही देखने को या ना की रिपोर्ट अगर देखें तो लगातार तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। केवल छोटी सी कुटिया, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक छोटी सी कुटिया को गिराया जा रहा है और बहाना कुछ और बनाया जा रहा है। या आखिर कैसा दृश्य है, किस तरीके से मानवता सर्वसार करने वाला दृश्य है और किस तरीके से कार्यवाही है? ऐसी कार्यवाही के लिए, ऐसे अपराधियों के लिए एक कठोर कहीं कहीं से न्याय प्रणाली होनी चाहिए। आखिर कब तक लगातार शोषण का शिकार या पार्टी में जुड़े रहने का? हालांकि आप तस्वीरें जो देखेंगे केदारनाथ शुक्ला जी का है, इन्हें कहना है किसी तरह तालुकात नहीं है। तो आखिर ये कौन सी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर राजेंद्र शुक्ला जी के साथ में ही उसके बगल में आप देखेंगे प्रवेश शुक्ला बैठा हुआ है और इसके साथ में ही आखिर ये फेसबुक प्रोफाइल क्या है? आखिर क्या कर रही थी पुलिस व्यवस्था वहां की, क्या कर रहे थे भाजपा के लोग? ये तस्वीरें देख करके ये जहन में एक बिस्सा भर गया है कि क्या भाजपा शासनकाल में इस तरीके से दृश्य, इस तरीके कृत्य क्या आते ही रहेंगे और भाजपा से संबंधित ही लोग ही करते रहेंगे? और जब फंसता है पेच तो किस तरीके से बचाव और कटाक्ष किया जाता है, ये शायद आप तस्वीरें देख रहे केदारनाथ शुक्ला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और शायद तस्वीरें आप अच्छी तरह देख रहे हैं, अगर शायद वीडियो अगर वायरल ना होती तो क्या पुलिस एक्शन लेती? हालांकि आप तस्वीरें देखेंगे, आप 3 तारीख एग्रीमेंट, ये हल्फनामा टाइप का एक जो और एक बार हो रहा है, ये हल्फनामा आप इसको अगर क्या कहेंगे? इसे पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। आखिर क्या बीती होगी इस पूरी परिवार के ऊपर, क्या हो बीती होगी इस फरियादी के ऊपर? जरा सोचिए क्या आने वाले भविष्य में, क्या लगता है कि जो फरियादी है, ये जो आदिवासी परिवार है, क्या इसको सुरक्षा पुलिस कर पाएगी, क्या सुरक्षा मुहैया करवाएगी? जिस तरीके से हल्फनामा को देख करके लगता है कि किस तरीके का दृश्य और कैसा दबाव बनाया गया होगा। अरे गरीबत तो यह रही कि वीडियो अगर सोशल मीडिया वायरल न होती तो साथ परिवार को भी खत्म कर दिया जाता कि यह भाजपा के साथ व्यवस्था, यह भाजपा के ही बीच के लोग और लगातार अपने बचाव के लिए कि हमारे पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, हम इसको जानते नहीं है। अरे आप कैसे नहीं जानते हैं, जिस समय पर शहरों में पोस्टर लग रहे थे तो क्या कर रहे थे आप, और क्या कर रहे थे आपके लोग, क्या कर रही थी भाजपा और क्या कर रही थी वहां की पुलिस व्यवस्था? शायद वीडियो वायरल ना होता तो क्या लगता है कि आदिवासी परिवार को न्याय मिल पाता? अरे साहब अनेकों ऐसे केस हैं जहां पर देखा जाता है न्याय नहीं मिल पाता है, बेचारा फांसी लगा लेता है। जिस तरीके से दृश्य हालांकि दृश्य मैं दिखा नहीं सकता हूं, ये देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं किस तरीके से यह कृत्य किया जा रहा है, जिसको मैं किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकता हूं। क्या बीतती रही होगी उसके ऊपर लाचार व्यवस्था के बीच में, केवल उसके पास एक ही रास्ता था कि हाथ जोड़ लिया जाए, पैरों में गिड़गिड़ा लिया जाए, शायद बख्श देगा। लेकिन कहां बख्शने वाले लोग हैं, यहां पर इस दृश्य को देख करके ऐसी स्थितियां हैं कि यहां पर ठंडी हवा नहीं महसूस हो पा रही है। ये पूरी खबर को लेकर के आप क्या राय कमेंट कर बताना भूलिएगा। ये देश को दहलाने वाला दृश्य सीधी जिले से निकल कर आया है, जहां पर लगभग पूरी तरह से मानवता सर्वसार होती है, पूरा प्रदेश सर्वसार होता है, पूरा देश के लोगों के बीच में यह जहन किस तरीके से यह सीधी को
विंध्य को किस तरीके से अपमानित करता होगा। चलिए अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा, इस कृत्य को अन्य साइट पर भेजना भूलिएगा। लेकिन बड़े सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, क्या इस समाज में पुलिसिंग व्यवस्थाओं को लेकर के आप संतुष्ट हैं? क्या इस समाज में पुलिस का जो कारनामा है तो बिना हाईलाइट हुए उस मामले को लेकर के क्या बेहतर प्रदर्शन है? अनेकों ऐसे मामले को लेकर के लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।